मैं जब मैं हिंदी बोलती हूँ ना कभी कभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग मिक्स हो जाती है। 7 दिन बाकी है। टचवुड ट्रेलर, मैं टचवुड बहुत करती हूँ आजकल, मैं काफी सुपरस्टिशियस बन गई हूँ। माय गॉड, यू नो अगर मैंने इस फिल्म को नहीं किया होता मुझे पता नहीं मैं क्या कर रही होती। इससे बेटर डिसीजन तो मैंने लाइफ में नहीं लिया है। जब मैंने अपनी एजेंसी को बोला कि मुझे ये फिल्म के टेस्ट करना है प्लीज इसको सेटअप कर लो, ये कैरेक्टर मुझसे काफी मिलती जुलती है। फन लविंग है, फ्री स्पिरिटेड है, इंडिपेंडेंट है, मच्योर भी है लेकिन इमेच्योर भी है। और हाँ, तो मैं अपनी कैरेक्टर से बहुत रिलेट करती हूँ, स्टोरी से नहीं क्योंकि मेरे पापा तो है, लेकिन आई थिंक वो एक अच्छी बात है स्पेशली फर्स्ट फिल्म में, क्योंकि मेरे पहले फिल्म में फिर लोग सिर्फ मेरे कैरेक्टर को ही नहीं मुझे भी देख पा रहे हैं। यू नो जैसे मेरी कैरेक्टर में इंटरव्यूज़ में भी वैसे ही बात करती हूँ, ऐसे मैं फिल्म में ही बात करती हूँ। और फिर जब मैं अपनी दूसरी मूवी होपफुली यू नो उसमें यू नो मुझे कुछ और भी डिफरेंट करना है, मुझे कुछ बिल्कुल अलग करना है, तो लेट्स सी। मैंने अपनी मम्मी को बताया था कि हाँ ये फिल्म है, मैं इसके लिए ऑडिशन दे रही हूँ, गुड गुड लक वट एवर। फिर मुझे कॉल बैक मिला और उन्होंने कहा कि नितिन सर से कश्मीर में मिलना है, तो मैंने कहा ओके, मैंने मम्मी से कहा गोइंग टू कश्मीर, ओके गुड लक। वहाँ गई, फिर वहाँ आई गॉट द फिल्म, और बहुत लेट रात था क्योंकि नितिन सर एक्चुअली वहाँ नोटबुक शूट कर रहे थे, तो वी ओनली वेंट देयर फॉर वन डे। और उस एक दिन में मैं वहाँ इवनिंग पहुँची, फिर यू नो आई टुक अ नैप फॉर वन आवर, और फिर हम डिनर के लिए गए थे, तो बाय द टाइम डिनर ख़त्म हो गया था, काफ़ी लेट था। तो मैं वापस आई और मैं अपने रूम में थी, और जयू सर प्रोड्यूसर ने मुझे मैसेज किया सेइंग आई गेस इट्स सेफ टू से वेलकम टू द फिल्म, और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी, लेकिन मैं किसी को कॉल नहीं कर सकती थी, किसी को मैसेज नहीं कर सकती क्योंकि बहुत लेट था रात को। तो आई डोंट नो हाउ आई पुट माई सेल्फ टू स्लीप, और फिर अगली सुबह मैंने सबको बता दिया और सब बहुत एक्साइटेड थे। मेरी मम्मी तो बहुत इमोशनल हो जाती है, और ट्रेलर भी देखिए वो बहुत इमोशनल हो गई, मैं भी काफ़ी इमोशनल हो गई। तो या जो भी कास्ट और क्रू है हमारे फिल्म की, सब आपको बताएंगे कि एक बहुत मज़ेदार हैप्पी सेट था, मतलब सब खुश थे, काम भी अच्छे से हो रहा था। हमने एक्चुअली हमारा रैप जो था 8 दिन पहले हो गया, तो यू नो हम इतना कुछ कर रहे थे, इतना कुछ हो रहा था, तो ऐसा ऐसा भी नहीं था कि हम सिर्फ मज़े कर रहे थे, काम ही नहीं कर रहे थे, वी फिनिश्ड अर्ली। अब जितने भी यूथ एक्टर आ रहे हैं, चाहे अलाया हो या अभी हम देख रहे हैं सारा जी आई है, अनन्या, सभी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। सो आप मानते हैं कि अब टफ कॉम्पिटिशन होने वाला है, क्योंकि जितने भी यूथ एक्टर आ रहे हैं सभी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, आप भी आ गई हैं इस रेस में? ऑफ कोर्स आई होप जो कॉम्पिटिशन वो मुझे दे रहे हैं मैं भी उनको दे पाऊँ। आई मीन मुझे कॉम्पिटिशन बहुत पसंद है, आई थिंक कॉम्पिटिशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लोगों को मोटिवेट करता है यू नो क्योंकि इस इंडस्ट्री में इतने सारे लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, कॉम्पिटिशन तो होगा जैसे हर इंडस्ट्री में वैसे भी होता है। और मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे देखना है अभी क्या होता है, क्योंकि मैं अपने यू नो वेदर अनन्या, तारा, सारा, जानवी, मैं सबको बहुत एडमायर और रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है यू नो उनके इंटरव्यूज़ देख के और यू नो आर्टिकल्स पढ़ के। तो हाँ अभी बस देखते हैं क्या होता है। मैंने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था तब सैफ सर ऑलरेडी इस फिल्म से अटैच थे। मैंने एक्चुअली एक आर्टिकल देखा था न्यूज़पेपर में इस फिल्म के बारे में, एंड मैंने अपनी एजेंसी से बोला मुझे इस फिल्म के लिए ऑडिशन देना है, तो उन्होंने सेटअप कर लिया था और थैंकफुली मुझे ये रोल मिल गया। और फिर तब्बू मैम, मुझे पता चला कि तब्बू मैम भी होने वाली है, और फरीदा जी मेरी दादी होने वाली है, और कुबरा और चंकी सर और कुमुद सर और सब, तो इट जस्ट गॉट बेटर एंड बेटर। मुझे लगा कि अच्छा अभी इससे अच्छा तो नहीं हो सकता है, और भी अच्छा हो गया। तो और सब इतने अच्छे लोग हैं यू नो, हाँ इट्स बीन अमेजिंग, इतना सीखने को भी मिला मुझे यू नो सैफ सर, तब्बू मैम सबके साथ काम करते वक्त, बस देख के मैं इतना कुछ सीख पाई यू नो। हाँ नहीं इस फिल्म से ज़्यादा तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती। और हाँ आई मीन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरी फर्स्ट फिल्म रोमांटिक होगी या थ्रिलर होगी या एक्शन होगी या ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बस एक अच्छी फिल्म करनी थी बस। सिंगिंग तो काश मैं कर पाती, मैंने कोशिश की है, मैंने सिंगिंग क्लासेस भी की है, लेकिन हाँ मेरी आवाज़ वैसी है ही नहीं, काफ़ी बुरी आवाज़ है मेरी लेकिन डायरेक्शन में शायद क्योंकि मैं ओरिजिनली डायरेक्शन ही कर रही थी, मतलब मैं डायरेक्शन सीखने गई थी न्यूयॉर्क,
तो शायद डायरेक्शन, शायद प्रोडक्शन ऑल्सो बाद में, लेकिन अभी के लिए तो सिर्फ एक्टिंग. मुझे सब कुछ करना है, कुछ फन आई थिंक, कुछ फन या कुछ रोमांटिक ऑल्सो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे कंटेम्प्रेरी डांस का बहुत शौक है, तो यू नो वो सब, तो वो रोमांटिक आने में भी अच्छा लग गया. आई डोंट नो, लेट्स सी, अभी तो शुरुआत है, देखते हैं. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ 31 जनवरी के लिए, और एक्चुअली वक्त जो है काफ़ी जल्दी बीत रहा है, तो मैं डेट देखी, मेरा अभी 23rd हो गया, 23rd कब हो गया, तो आई एम श्योर 31 जनवरी बहुत जल्दी आएगा, और आप सब जाके जवानी चाहने में प्लीज़ देखना, बहुत ही अच्छा फिल्म, अच्छी फिल्म है. मैं हिंदी बोलती हूँ ना, कभी कभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग मिक्स हो जाती है. जवानी जाने में 31st जान, आप प्लीज़ जाके देखिए.